मैं इदा का कॉन्सैप्ट सर असी टीवी के वेखदी हाँ या फॉरन के वेखते हैं और बड़ी खुशी की गल है कि साढ़े बटाले में भी एक ऐसी सौगात मिली है। ये जिहड़ा मैं लैके आया कंसैप्ट जिहड़ा लैके आया बटाले दे विच एक मेरा ड्रीम भी सीगा और इहदे पिछे बहुत स्ट्रगल भी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। अक्सर देखा गया है कि हमारे देश खासकर पंजाब के युवा पढ़ाई पूरी कर विदेश में जाने को प्राथमिकता देते हैं और आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जिसने शेफ की मास्टर डिग्री प्राप्त करने के उपरांत एक पुराना टिप्पर खरीदा और उसे दो मंजिला रेस्टोरेंट का रूप दे दिया और आज ये चलता फिरता रेस्टोरेंट गुरदासपुर में लोगों की पहली पसंद बन चुका है। इस चलते फिरते रेस्टोरेंट में खाने का हर सामान स्वादिष्ट तो होता ही है, वही आम रेस्टोरेंट के मुकाबले काफी सस्ता भी होता है। इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। इस दो मंजिला रेस्टोरेंट की निचली मंजिल पर खाने का सामान तैयार होता है और ऊपरी मंजिल पर ग्राहकों को खाना परोसा जाता है। क्या कहा इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए एक ग्राहक ने। मैं सर बहुत बढ़िया, मैं इदा का कॉन्सेप्ट सर असी टीवी दे विच वेखदी हां या फॉरन दे विच वेखदे हां और बड़ी खुशी की गल है कि साढ़े बटाले में भी एक ऐसी सौगात मिली है। जो तीन सर असी नॉर्मल लैके चलते रेस्टोरेंट के असी सानू हर चीज़ परफेक्ट मिली है क्योंकि मैं भी आंदे जाते रेस्टोरेंट के जिदा कि तुम आवे सदो सॉसेज की गल करिए मतलब जो आप रेस्टोरेंट के बह के वेख देना अजू वो स्ट्रीट फूड के मिले। सर्विस भी ठीक ठाक है सर, अजय फर्स्ट डे है साडा इन्हों का और मैं थोड़ा बहुत उनकी होंदा वा बट फिर भी ओवरऑल बहुत वधिया। क्या कहा इस रेस्टोरेंट के मालिक सतीश मसीह ने, जे भी सुने। और ये जिहड़ा मैं लैके आया कंसैप्ट जिहड़ा लैके आया बटाले दे विच एक मेरा ड्रीम भी सीगा और इहदे पिछे बहुत स्ट्रगल भी है। अज दी दुनिया जिहड़ी आ ओह स्टोरीज देखदी आ, ग्लोरीज देखदी आ, स्टोरी कदी नहीं देखदी। मैं हमेशा ही एक्सप्लेन करदा किथे भी जावां जिथे भी पहुंचा और मैं अपनी टेस्टमनी यूर शेयर करदा यार इंसान की ग्लोरी तुसी देख दो कते स्टोरी भी चेक करया करो और इहदे पिछे हुण मैं अपनी ग्लोरी तो तुसी देख चुके हो, स्टोरी दा सुनो तुसी। स्टोरी इस तरीके दी सीगे वी साडे डैड जिहड़े सीगे एक राजमिस्त्री सीगे, ठीक है जी, और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया साडे लई और जो मेहनत करन जांदे सीगे ते साडा दिल भी साडा रोंदा सीगा वी साडे फादर साहब इन्ने हार्ड वर्क करके सानू स्टडी करवा रहे ने। प्लस टू तो बाद असी थोड़े होश संभालिया अपना और फादर साहब ने मजदूरी की, उस तो बाद बटाले में आए। बटाले में सानू एक कोई लोकल जिहड़े कैप्टन होंदे सी वेटर का काम करते, वेटर लाइन च लैके आए। वेटर लाइन च जो मैं आया सीगा वेटर लाइन तो बाद मैं देखिया भी मैनेजर की स्टैंडर्ड एटीट्यूड देखिया और कैटर्स देखिया भी किस तरह काम करते हैं। उस तो बाद मैं अपने मन के ठान लिया भी यार मैं इस लाइन की डिग्री करनी है, मन च ठान लिया। पर मैं जो घर गया तो घर दियाँ जो फाइनैशियली कंडीशनस ने वो मैं देख के अपने फादर साहब नूं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पर जो प्लस टू तो बाद मेरे फादर साहब ने खुद ही पूछ लिया, पुत उस तो बाद तू करना की चाहना है। मैं कहा डैड छोड़ो यार, असी स्टडी करनी नहीं अगे क्योंकि साढ़े को इन्नी एकात हैशियत नहीं है कि आप डिग्रियाँ कर सकी। फिर फादर साहब ने कहा पुत तू दस सही करना की चाहना। मैं कहा मैं इस लाइन की मास्टर डिग्री करना चाहना। मेरे फादर साहब ने रातों रात पैसे का इंतजाम किया, एडमिशन दिलाई, सारे इंतजाम किए। उस तो बाद हौली 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 स्टैप बाय स्टैप मैं डिग्री करके बटाले दे विच मैनू तुरंत इमीडिएटली मैनेजर की पोस्ट मिली। हौली फिर उस तो बाद कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया। कैटरिंग के बिजनेस तो उस बाद अपने सिर दे विच अपने सिर ते अपनी हत्थां दी कमाई दे उस माँ बाप की सिक्ख्या लैके उस परमेश्वर का ओट आसरा लैके फिर मैं इस जर्नी नूं अपना पूरा करना शुरू कर दिता। इस सफलता नूं मन दे विच ठान लिया भी मैं सफलता पानी है। उस तो बाद मैं इस जगह इस बटाले दे विच अपना घर बनाया, अपनी गड्डियां लईयां और सब कुछ अवेलेबल है और इस परमेश्वर की कृपा उहदे ओट आसरे दे नाल और अपने माँ बाप का वो देख के हिरदा वो कब देख के अज वो माण महसूस करते हैं भी वाकया यार साडे बच्चे कुछ बन गए ने। ये दिल नूं तसली हुंदी है। और मैं हुण अज दी डेट च तुसीं देखदे हो अज दी डेट तो जिदा मैं प्लस टू की उस टाइम इन्ना ट्रेंड नहीं सीगा, जिहनूं ला लो बाहर जाण दा इन्ना क्रेज नहीं सीगा। हुण दे एक एक जन नूं पुछ लो जिहड़ा प्लस टू करदा जां अठवीं च वी आ, उह वी कहिंदा मैं प्लस टू तो बाद बाहर ही जाणा है, मैं इत्थे रहिणा नहीं, मैं नौकरी नहीं करनी।
पर मैं ये दसना चाहना भी यार बाहर सब कुछ नहीं है, तुम अपने माँ बाप छड़ के जाते जो करोड़ों के ने अरबा के उन्होंने कीमत भी नहीं हैगी तुम अदा कर सकते, उन्होंने तुम छड़ के चले जाते हो रुपया 2-2.5 लाख कमाने के चक्कर भी अं 2-2.5 लाख कमा लाँगे अपना लाइफ स्टाइल बनाने के चक्कर। मैं ये अपील करता यार सब कुछ इस तर इस जगह पर हैगा, असी भी स्ट्रगल किया इतों तक पहुँचे हैं, अज मालिक की कृपा ना सब कुछ हैगा, जिहड़ा फॉरन वाले बंदे को भावे 5 साल तो 10 साल तो काम कर रहे हैं असी भी इतने जगह पर काम कर रहे पर साडा लैवल इको ही आ। ठीक है जी, मैं यही अपील करना चाहना भी तुम इधर ध्यान दो, जिहड़ा पैसा तुम तो अंबैसी दे रहे हो इतने अपने बिजनेस से लाओ, सब कुछ हैगा सब कुछ हैगा। सिटी हलचल के लिए गुरदासपुर से जितेंद्र पाल सिंह कलेर की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल, यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग निकट गोल्डन पैलेस अजोली मोड़ जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।